जातकालङ्कारस्यायं षष्ठो भागः भावाध्यायस्य चतुर्थश्लोकात् अन्वयपूर्वक सामान्य अर्थम् अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। लग्ने क्रूरे धयाते खलखचरगृहं लग्ननाथे रवींदु क्रूरान्तस्थान संस्थावथ दिनपनिशानाथयोर्द्युनयायी भूमिः पुत्रस्तु पृष्ठादुदयमधिगतश्चन्द्रजश्चेन्मनस्वी स्यादन्धो दुष्टकर्मा परभवनरतः पूरुषः क्षीणकायः। लग्ने क्रूरे लग्ननाथे खलखचरगृहं याते, लग्ने क्रूरे लग्ननाथे खलखचरगृहं याते। लग्न में क्रूरग्रह हो और लग्ननाथ खलखचरगृहं, खलखचर पापग्रह, क्रूरग्रह क्रूरग्रह के घर में राशि में गया हो, ऐसे जाने पर आगे क्या कह रहे हैं। रवींदु क्रोरांत स्थान संस्थौ, रवींदु सूर्य और चंद्र ये दोनों क्रोरांत स्थान संस्थौ, क्रोर अंतस्थान संस्थौ, क्रोर ग्रहों के अंतस्थान बीच में स्थित हो सूर्य और चंद्रमा, ये हुआ दूसरा योग। दिनप निशानाथयोर द्योनयायी भूमि पुत्रः, दिनप निशानाथयोः यहाँ अथ लग्ने क्रूरे लग्ननाथे खलगचरगृहं याते रवींदु क्रूरांतस्थान संस्थौ, यहाँ तक एक योग हुआ। अथ दिनप निशानाथयोः द्योनयायी भूमि पुत्रः, दिनप निशानाथयोः दिनाधिपति और निशानाथ इन दोनों के द्योनयायी सप्तम में गया हुआ कौन, भूमि पुत्रः मंगल, यानी मंगल इन दोनों के सप्तम में गया हो। चंद्रजः पृष्ठात उदयम अधिगतः, चंद्रजः यानी बुध पृष्ठात उदयम अधिगतः, जो पृष्ठोदय राशि में है, पृष्ठोदय राशियां हैं उनमें अधिगत हो यानी गया हो, यानी बुध पृष्ठोदय राशि में हो। चेत यदि ऐसे हो तो पुरुषः माने वह पुरुष, वह जातक अंधः दुष्टकर्मा परभवनरतः क्षीणकायः स्यात्, वह अंध दुष्टकर्मा परभवनरतः दूसरों के घरों में रहना पसंद करने वाला परभवनरतः, फिर क्षीणकायः क्षीण शरीर का होगा। कोशाधीशस्वराशौ सुरगुरुसहितः सर्वसम्पत्प्रदस्यात् केन्द्रे वा धत्रिके चेद्भवति हि मनुजः क्लेशभाग्द्रव्यहीनः स्वान्त्याधीशस्त्रिकस्थौ कवितनुपयतौ स्यात्तदा नेत्रहीनः चन्द्रः पापेन युक्तो धनभवनगतः शुक्रयुन्नेत्रहीनः। कोशाधीशः स्वराशौ सुरगुरु सहितः, कोशाधीशः स्वराशौ सुरगुरु सहितः सर्वसंपत्प्रदः स्यात्, कोशाधिपति अर्थात द्वितीय स्थान का स्वामी स्वराशौ अपने राशि में हो, और कहां पर हो, केंद्रे केंद्र स्थान में हो, फिर कैसे हो, सुर गुरु सहितः, सुरानाम गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति उसके सहित हो वह कोशाधिपति द्वितीयाधिपति, तब सर्व संपत् प्रदः स्यात्, उस स्थिति में वो सभी प्रकार के संपत्तियों को देने वाला होगा। वा अब दूसरा योग बता रहे हैं, त्रिके भवति चेत, वही कोशाधीश त्रिकस्थान में हो, 6, 8, 12 में हो तो मनुजः क्लेशभाक् द्रव्यहीनः स्यात्,
तो वह मनुष्य क्लेश भाग, क्लेशों को भोगने वाला, कष्टों को भोगने वाला, द्रव्यहीन, धन से हीन होगा। स्वान्त्याधीशौ कवितनुपयुतौ त्रिकस्थौ तदा नेत्रहीनः स्यात्। स्व अंत्य अधीशौ, स्व यानी दूसरा स्थान, अंत्य यानी बारहवां स्थान, इन दोनों के अधीशौ स्वामी। कवितनुपयुतौ, कैसे हो वो? शुक्र और तनुपः लग्नाधिपति, उन दोनों के साथ युत हो। और त्रिकस्थौ, और त्रिकस्थान में हो। तदा नेत्रहीनः स्यात्, उस स्थिति में जातक नेत्रहीन होगा यानी दृष्टि रहित होगा। चंद्रः पापेन युक्तः धनभवनगतः शुक्रयुं नेत्रहीनः स्यात्। चंद्रः पापेन युक्तः, पापग्रह से युक्त हो चंद्रमा, धनभवनगतः द्वितीय स्थान में गया हो, शुक्रयुं वो शुक्र के साथ मिला हुआ हो, तो नेत्रहीनः स्यात्, उस स्थिति में जातक नेत्रहीन होगा। शुक्रस्येन्दुस्त्रिकस्थो जनुषि निशि नरः प्राप्नुयादन्धकत्वं जन्मान्धःसार्कशुक्रस्तनुभवनपतिः स्यात् तदानीं मनुष्यः। एवं तातानुजाम्बासुतनिजगृहिणी स्थाननाथा स्थिताश्चेत् आदेश्यं तत्र तेषां प्रवरमतियुतैरन्धकत्वं तदानीं। शुक्रः सेन्दुः, शुक्रः सेन्दुः त्रिकस्थः जनुषि, जनुषि अर्थात जन्म समय में शुक्रः, शुक्र सेन्दुः स इन्दुः ने इन्दु सहितः चंद्रमा के साथ हो। और कैसे हो? त्रिकस्थः, त्रिकस्थान में गया हो। चेत, यदि ऐसे हो तो नरः निशि अंधकत्वं प्राप्नुयात्, तो वह जातक निशि अर्थात रात्रि काल में अंधेरा में अंधकत्वं प्राप्नुयात्, वो अंधकत्व को प्राप्त करेगा अर्थात वो रतौंधा माने रात्रि में अंधा होगा। तनुभवनपति ही सार्क शुक्रः, लग्नाधिपति सार्क शुक्रः, अर्क शुक्रयोः सहितः माने सूर्य और शुक्र के साथ हो लग्नाधिपति और त्रिकस्थ हो, छः आठ बारह में गया हो। तदानीं मनुष्यः जन्मांधः स्यात्, उस स्थिति में मनुष्य जन्मांध होगा अर्थात पैदाइश, जन्मतः ही वह दृष्टिहीन होगा। एवं इस प्रकार से तात अनुज अम्बा सुत निज गृहिणी स्थाननाथाः स्थिताः चेत, तात माने पिता, अनुज भाई, अम्बा माता, सुत पुत्र, निज गृहिणी पत्नी, इनके स्थाननाथ, स्थाननाथाः इनके स्थानाधिपति, उस प्रकार से एवं याने उस प्रकार ऊपर जैसे बताया योग, यदि वैसे हो उस प्रकार से हो, चेत तदानीं प्रवरमतियुतैः तेषां अंधकत्वं आदेश्यम्। जो प्रवरमतियुत माने प्रखर मति बुद्धि से युक्त जो लोग हैं उनको उन के अंधकत्व बताना चाहिए। यदि पितृस्थान से यदि यह योग बन रहा है तो पिता के लिए, अनुज स्थान से बन रहा हो तो अनुज के लिए, या अम्बा स्थान से हो तो माता ऐसे होगी, तो इस प्रकार से बताना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? भ्रातृस्थानेश भौमौ व्यय रिपु निधन स्थान गौ बंधुहीनः स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे सहज भवन पे मानवस्याच्च तद्वान् केन्द्रस्थे बन्धुसौख्यं शुभविहगयुते स्याददभ्रं नराणां पापैश्चेदन्यथैतत्तदनुनिजधियाज्ञेयमित्थं समस्तम्। भ्रातृस्थानेश भौमौ, भ्रातृस्थान का अधिपति और भौम यानी मंगल, ये दोनों व्यय रिपु निधन स्थानगौ, व्यय बारहवा, रिपु छठा, निधन आठवा, इन स्थानों में गया हो तो बंधुहीनः, तो
वह जातक बंधुहीन होगा। यहाँ पर बंधु शब्द से भाइयों को लेना या बंधुओं से लेना, ये आगे आगे चतुर्थ स्थान के विचार से समझ में आ जाएगा। तृतीय स्थान से भ्रातृ विचार होता है, तृतीय स्थान से भ्राता का विचार होता है, आता है यहाँ पर बंधु से सहोदर का ही अर्थ ले सकते हैं। सहज भवन पे स्वक्षेत्रे सौम्य दृष्टे मानव तद्वान स्यात्। सहज भवन पे, सहज भवन का जो अधिपति स्वक्षेत्रे अपने स्थान में हो, सौम्य दृष्टे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो मानव तद्वान स्यात्। तद्वान यहाँ पर क्या, बंधुवान माने बंधुयुक्त होगा। तद्वान केन्द्रस्थे शुभ विहगयुते नरानाम बंधु सौख्यम अदभ्रम स्यात्। माने वही सहज भवनाधिपति केन्द्रस्थे, केंद्र में रहने पर, फिर कैसे होने पर, शुभ विहगयुते शुभ ग्रहों से युक्त होने पर, नरानाम बंधु सौख्यम यानी बंधुओं से भाइयों से उत्पन्न सुख जातक के लिए कैसे होगा, अदभ्रम माने वह असीमित होगा। पापै ही चेत, यदि वही शुभ ग्रहों से युक्त ना हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो एतत अन्यथा स्यात्, यानी जो बताया बंधु सौख्यम अदभ्रम जो बताया, तो उसका अन्यथा यानी विपरीत होगा। अर्थात भाइयों से उत्पन्न होने वाला वह सुख शून्य के बराबर होगा। तदनु उसके अनुरूप निज धिया इत्थम समस्तम ज्ञेयम्। निज धिया अपने बुद्धि से दैवज्ञ को समस्तम माने सब कुछ जानना है। पुनः अग्रिम भागे मिलामः, फिर आगे के भाग में मिलते हैं।